नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे टू चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप लोग बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से, आप लोग फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो दोस्तों से मैं यहाँ पे देखें फ्लिपकार्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों से आप लोग भी बजाज EMI कार्ड के थ्रू फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये करना है, दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर आपको एक कमेंट कर देना है। दोस्तों से आप लोग बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियो देख ली हैं फिर भी दोस्तों वर्क नहीं करता है, तो उससे जैसे आप यहाँ पे कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सर्च कर लेना है। दोस्तों से आपको मोबाइल लेना है या जो भी लेना है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, सर्च कर लेना है, जो भी आपको पसंद आ रहा हो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों से मैं आपको देखिए कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये देखिए पहले से ऐड करके रखा हूँ, तो जैसे मुझे ये मोबाइल लेना है, जैसे मुझे ये मोबाइल पसंद है, यहाँ पे देखिए यह मॉडल नंबर शो करा और यहाँ पे देखिए कौन से कंपनी का है, तो यह शो करा। जैसे यहाँ पे क्लिक करा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कलर शो करा, स्टोरेज, रैम और यहाँ पे देखिए टोटल प्राइस शो करा कितने का है, डिस्काउंट के बाद कितने का मिलेगा ये भी शो करा। दोस्तों से मुझे इसे लेना है और यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से लेना है क्योंकि मैं चाहता हूँ उसी से रहे, जो मैं देखे मंथली मेरा पेमेंट जाता रहे, एक बार मुझे एक बार में देखिए पूरा पेमेंट ना करना पड़े। तो दोस्तों से मुझे यहाँ पे इसे बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से लेना है तो हमें यहाँ बाय नाउ यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों से यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे देखे प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों से कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड वाले पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप एंड कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखे ये एड्रेस शो करा, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखे अपना नाम एड्रेस सब कुछ ऐड कर लेना है। फिर यहाँ पे देखे ये डिटेल शो करा, टोटल अमाउंट शो करा, कितना यहाँ पे देखे पेमेंट करना होगा यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ देखे कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखे पेमेंट का ऑप्शन आ गया है और यहाँ देखे सजेस्ट फॉर यू, तो दोस्तों यहाँ पे देखे मेरा जो UPI यहाँ पे ऐड है ये शो करा और नीचे आना है ऑल अदर ऑप्शन UPI वैलेट पोस्ट पेड क्रेडिट कार्ड डेबिट ATM ये ऑप्शन शो करा, नेट बैंकिंग और यहाँ देखे EMI कैश ऑन डिलीवरी गिफ्ट कार्ड काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। दोस्तों से हमें यहाँ पे देखे EMI पे लेना है और बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से लेना है तो हमें यहाँ पे देखे EMI यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों फिर हमें यहाँ कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखे नो कॉस्ट EMI ऑन क्रेडिट कार्ड, दोस्तों यहाँ पे देखे नो कॉस्ट EMI यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। दोस्तों जो भी आपका कार्ड है वहाँ पे सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे देखे बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से शॉपिंग करना है तो यहाँ पे देखे फर्स्ट शो कर रहा है आप लोग दे सकते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों से यहाँ पे क्लिक किया हो तो फिर ऐसा पेज ओपन हुआ, यहाँ देखे नो कॉस्ट EMI, जैसे 3 महीने के लिए लेना है तो इतनी EMI पड़ेगी, जैसे 6 महीने के लिए लेना है तो इतनी EMI होगी। तो दोस्तों जैसे भी आप लोग 3 महीने 6 महीने जितने दिन के लिए लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखे टोटल अमाउंट शो करा और दोस्तों फिर हमें यहाँ देखे कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ देखे बजाज फिनसर्व अकाउंट, दोस्तों यहाँ पे देखे ये अकाउंट शो करा, दोस्तों मेरा जो फ्लिपकार्ट अकाउंट नंबर है उसी नंबर से मेरा देखे बजाज फिनसर्व है इसलिए यहाँ पे देखे ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो गया है। दोस्तों से आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ ऐड न्यू बजाज फिनसर्व EMI कार्ड आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखे कार्ड नंबर लिखना होगा, वैलिड थ्रू मंथ ईयर यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ CVV, दोस्तों यहाँ पे आपको CVV पे कुछ नहीं करना है क्योंकि बजाज फिनसर्व EMI में दोस्तों यहाँ पे देखे CVV नहीं होता है। जैसे आप लोग कार्ड नंबर ऐड करेंगे या एक्सपायरी डेट इंटर कर देंगे तो यहाँ CVV देखे ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है फिर यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों से मेरा इसी नंबर से है तो मैं यहाँ नंबर वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हमें यहाँ देखे कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करना होगा। वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर, दोस्तों यहाँ पे देखे नंबर में यहाँ पे देखे OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैसेज भी आ गया है, यहाँ पे OTP इंटर करना है फिर यहाँ कन्फर्म एंड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखे बाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग बहुत आसानी से बजाज फिनसर्व EMI कार्ड से यहाँ फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों से आप में ऑप्शन नहीं आ रहा फिर भी आप लोग बाई नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों से आप लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं सबसे पहले आपको जैसे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, जैसे मुझे ये देखे मोबाइल लेना है यहाँ पे क्लिक करा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल हैं। दोस्तों मैं कोई और मोबाइल पे ट्राई करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ देखे वीवो यहाँ पे क्लिक करा हूँ, दोस्तों से मुझे इस मोबाइल को लेना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे फिनसर्व EMI कार्ड से लेना है तो जो भी आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे आना है और यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा नो कॉस्ट EMI, तो दोस्तों यहाँ पे देखे ऑप्शन शो करेगा व्यू प्लान्स, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है दोस्तों यहाँ पे बजाज फिनसर्व है कि नहीं, दोस्तों यहाँ पे देखे है, अगर
दोस्तों जैसे यहाँ पे बजाज फिनसर नहीं रहेगा तो आप लोग इस मोबाइल को बजाज फिनसर ईएमआई कार्ड से नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह आपको चेक कर लेना है दोस्तों, फिर आप लोग यहाँ से बहुत आसानी से शॉपिंग कर पाएंगे।